गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बोल सकते हो या मीडियम जो शॉपिंग हॉल है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर होम डेकोर है। एज यू ऑल नो कि मैं अपने घर पे दिवाली से पहले मेकओवर करने वाली थी, बट ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस वो हो नहीं पाया। तो मैं भोपाल जब गई थी तो भोपाल से काफ़ी सारी शॉपिंग करके लेकर के आई हूँ। कुछ शॉपिंग भोपाल की है, कुछ शॉपिंग यही मुंबई की है। तो जहाँ से भी जो भी है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्रोडक्ट है वो है ये एक बहुत ही क्यूट सा कार है और उसके ऊपर काफी प्यारा सा फ्लावर्स है। तो ये मैंने भोपाल के होम टाउन से लिया था एंड मुझे ये काफी पसंद आया था। तो इसका प्राइस है 595 और 20% डिस्काउंट पे ये मुझे 380-390 ऐसे कुछ का पड़ा था। बहुत ही क्यूट सी लग रही थी मुझे ये। तो फर्स्ट जो है वो मैंने ये लिया है, ये मैंने परचेस किया है। मेरे पास जनरली शो पीसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज मैं उनको मेंटेन भी नहीं कर पाती हूँ और मैं इतने ज़्यादा शो पीसेस रखना पसंद भी नहीं करती हूँ। बट मुझे ये बहुत पसंद आया था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने ये परचेस कर लिया। सेकेंड जो चीज़ है ये मैंने मार्केट 99 से ली है। अगेन ये मैंने भोपाल से ही परचेस किया है। भोपाल में एक्चुअली द थिंग इज भोपाल इज़ नॉट दैट बिग, इट इज़ बिग बट इट नॉट दैट बिग। और मुझे वहाँ पर हर एक जगह पता है। मेरे घर, मैं एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में रहती हूँ, मेरे घर से सारे डिस्टेंसेस बहुत ही इक्वल डिस्टेंस पर पड़ते हैं मुझे। तो मुझे वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेरेटिव टू मुंबई, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास खुद का ओन व्हीकल भी नहीं है और यहाँ पर चीज़ें पता भी नहीं है और यहाँ मज़ा नहीं आता। तो वहाँ मैं मम्मी के साथ जाके या टीनों के साथ जा करके शॉपिंग कर लेती हूँ। तो सेकेंड मैंने ये खरीदा है, ये मैंने लिया है 129 रुपीज़ का और ये मार्केट 99 का है। काफ़ी क्यूट सा है, आप इसको हैंग कर सकते हैं एंड हैंग करने के बाद आप यहाँ पर यू नो कुछ भी आप चाहें तो कीज रख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ये लिया है। देन सेकेंड मैंने ये लिया है मेमोरीज, काफ़ी अच्छा है, MDF वुड का है ये। तो ये यू नो आप सबको पता है कि मेरे यहाँ पर एक फ़ोटोज़ वॉल है जिसमें मेरी और विक्की की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। तो उस वॉल पे लगाने के लिए मैंने डेकोरेट करने के लिए ये लिया है। तो ये मुझे पड़ा था आई थिंक 149-150 कुछ का मुझे पड़ा था एंड ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मुझे लगा था कि ये काफ़ी बड़ा आएगा बट काफ़ी छोटा आया है, बट ठीक है, नेवर माइंड, आई लाइक इट। नेक्स्ट मैंने लिया है ये प्लांटर, जो कि हैंगिंग प्लांटर है और ये इस तरह से पूरा निकल जाता है एंड आयरन का है ये। और ये मैंने प्लांटर परचेस किया है होम टाउन से। इसका एक्चुअल प्राइस है 1295 बट ये आफ्टर डिस्काउंट पे मुझे 850 का पड़ा था। तो ऐसे मैंने दो प्लांटर्स खरीदे हैं, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे तो मैंने ये खरीदा। ये सिर्फ दो ही पीस बचे थे वहाँ पर स्टोर पे, तो मैंने ये परचेस कर लिया। इवन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं थे और स्टोर पे भी सिर्फ लास्ट टू पीसेस बचे थे सर्कल वाले के। इसमें अलग अलग शेप्स अवेलेबल थे बट मुझे ये सर्कल वाला सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, सो आई बॉट दिस वन। एंड मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँगी, कहाँ करूँगी, उसके लिए आप मेरा जो डेकोर हॉल है, जो डेकोर वीडियो आने वाला है कमिंग, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने ये स्माइल लिया था, ये मैंने क्रॉफिट मार्केट से लिया था, आई थिंक मैंने आप सबको बता दिया। इसके ऊपर मैंने ऐसे ग्रेश ब्लू कलर से पेंट किया है। दिस टाइम दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जिसमें मैंने कोई थीम नहीं रखी अपने घर में। मैं रैंडमली चीज़ें करने वाली हूँ, मतलब विदाउट थीम रहने वाला है मेरे यहाँ का जो डेकोर है, रैंडमली होने वाली हैं चीज़ें। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। बस मैं अपनी मन की सुन रही हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। देन नेक्स्ट मैंने ये काफ़ी क्यूट सा ये आयरन है, अगेन टीन जो होता है ना टीन उसका है। इस पर लिखा हुआ है फ्लावर्स एंड गार्डन और ये काफ़ी प्रिटी सा लग रहा था मुझे, तो एक मैंने ये लिया है। अगेन ये होम टाउन का है और ये भी भोपाल के होम टाउन का है और इसका प्राइस है 549 और अगेन ये 20% डिस्काउंट पे था। और उसके बाद फिर ये एक और लिया है, ये इस तरह से पैक होकर के बबल रैप में उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके मुझे दिया था, बिकॉज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे सामान दीजिएगा। एक ये ऑरेंज कलर के फ्लावर का मैं लेकर के आई हूँ, तो ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है। एक्चुअली मैंने अभी सब कुछ व्हाइट कर दिया है ना, तो आपको इसमें थीम सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप कोई सा भी मैं कलर डालूंगी वो कॉन्ट्रास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। देन नेक्स्ट मैंने इस तरह से दो बहुत ही क्यूट लुकिंग नेचुरल गार्डन लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मैंने ये परचेस करे थे और इसका प्राइस है, इनका प्राइस है 450 रुपीज़ और ये विदाउट डिस्काउंट है। वुडन है, ये वुडन का है और ये भी हैंग करने के लिए मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ये परचेस किया। देन उसके बाद
दो इस तरह से छोटे छोटे मैंने ग्रीन प्लांट्स परचेस करे हैं, ये मुझे काफ़ी ओरिजिनल लग रहे थे तो मैंने ये लिया है। ये भी विदाउट डिस्काउंट था और इसका प्राइस 400 रुपीज़ था। डेफिनेटली एक्सपेंसिव है ये, आप प्रॉफिट मार्केट में जाओगे तो आपको 200-250 रुपए में मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि विक्की का हाथ का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो मुझे कहीं लेके नहीं जाने वाला। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि जो भी लेके आना है भोपाल से ही लेके आ जाओ, बिकॉज यहाँ पर अभी सब दूर दूर है तो वो लेके भी नहीं जा पाएगा मुझे, और प्रॉफिट में उतना दूर इतना सामान लेने क्या ही जाऊंगी, और पेट्रोल का लग जाता है उतने में, तो दैट्स वाई मैं लेके आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये काफ़ी स्टाइलिश सा प्लांटर आप बोल सकते हो, तो आजकल ये काफ़ी इन है, तो ये लिया है। ये ग्रीन कलर है और ये भी इस तरह से निकल जाता है, तो ये मुझे पड़ा था 295 रुपीज़ का। काफ़ी सस्ता है ये वाला, मतलब अच्छा लग रहा है ये मुझे। तो ये दो मैंने इस तरह से लिए हैं 295 रुपीज़ के। उसके बाद मैंने एक ये छोटा वाला प्लांटर लिया है जो कि टूट चुका है ट्रैवलिंग में, और ये मैंने लिया है 99 रुपीज़ का, और ये मैंने मार्केट 99 से लिया है। तो ऐसे मैंने दो लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये दो कैंडल्स लिया है, अगेन ये मार्केट 99 की है और ये 129 रुपीज़ की हैं, तो आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हो, तो ये लिया है मैंने दो। देन आई रियली डोंट नो ये मैंने किस सेंस में इस कुशन कवर को परचेस कर तो लिया है, बट क्या थीम सोच कर मुझे बस ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये परचेस कर लिया, और इसका प्राइस है 595। काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय कुशन कवर्स फ्रॉम होम टाउन, और इतना एक्सपेंसिव लेने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। देन उसके बाद मैंने ये फोटो फ्रेम्स का सेट मंगवाया था ऑनलाइन, वाइट कलर की फ़ोटो फ्रेम्स है और 8x10 का साइज़ है, तो ये टोटल मेरे पास 6 आए थे, तो बाकी जो दो है उन पर मैंने फ़ोटोज़ लगा दिया, तो वो मैं आपको अभी शो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे 6 पीसेज आए थे और अराउंड ये मुझे 800 कुछ का पड़ा था, एंड बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाई दिस वन, बिकॉज इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो मैंने पहले मंगवाया था उसकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत परफेक्ट थी, बहुत ही परफेक्ट क्लास की थी। मैं आपका इसको दिखाती हूँ, यहाँ साइड साइड से ये डैमेज है। इसकी जो फिनिशिंग है, अभी काम चलाऊ तो ये चल जाएगा, 800 रुपये में 6 पीसेज मिलना इज़ अ गुड डील, बट फिनिशिंग उतनी क्लासी नहीं है जितना क्लासी जो मैंने पहले मंगवाई थी फ्रेम्स उसका था, उस ब्रांड का था। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाई दिस वन, तो मैंने ये खरीदा है। इवन यहाँ पर ग्लास भी नहीं है, इन लोगों ने जिलेटिन होता है ना वो लगा करके मुझे दे दिया है, तो बहुत ही चीप क्वालिटी है इसकी, सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाई दिस वन। देन आई बॉट दीज टू ट्रेस ऑनलाइन, और मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। एक और ये फोटो फ्रेम मैंने परचेस करी थी अमेजन से, और ये मुझे पड़ी थी 349 रुपीज़ की। इसके अंदर कुछ है ऑलरेडी, तो वो मैंने दूसरे फोटो फ्रेम में स्टिक कर दिया, तो वो आप एक और वीडियो में मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी क्या क्या है, जो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी क्वालिटी में इतनी कोई खास नहीं है, बट एटलीस्ट इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है कंपेरेटिवली टू जो ब्लैक वाइट वाली है उससे। उसके बाद मैं होम सेंटर से ये फ्लोटिंग शेल्फ लेकर के आई थी, जो कि एक शेल्फ मुझे 600 समथिंग कुछ की पड़ी थी, कोई डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर। तो ये जो फ्लोटिंग शेल्फ है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, एक्चुअली इसमें कुछ भी दिखता नहीं है, तो ये इस तरह से रहता है अंदर अंदर, इसके ऐसे आयरन का ये रहता है, इसको आपको वॉल पे लगाना पड़ता है एंड देन आपको ये इस ऐसे लगानी पड़ती है। तो ये 10 kg तक का वेट जो है वो ले लेता है, मतलब 10 kg आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो मैंने ये लिया, इस तरह की मैंने दो खरीदी थी भोपाल से। ये वाला जो कर्टेन है ये भी लेकर के आई हूँ, ये बेसिकली मैं लोकल स्टोर से लेकर के आई हूँ सिटी से। इसका प्राइस है 250 रुपीज़। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये इस तरह का नेट है, तो ना तो ये एग्जैक्टली नेट है और ना ही एग्जैक्टली जो ब्लैकआउट कर्टन होता है मिक्स है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज इसका जो ये ऊपर का है ना, ये थोड़ा सा क्रीमिश ऑफ वाइट कलर का है, तो ये और ये दोनों ऑफ जा रहा है थोड़ा सा। एंड क्वालिटी बोलूँगी 250 रुपीज़ का मुझे एक मिला है, इसमें 4 लेकर के आई हूँ, तो प्राइस वाइज ठीक है। ये आपको 200-250 रुपये में के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है और मेरा पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा, तो इस बार मैं ये लेकर के आई हूँ। बिकॉज मैं आउट ऑफ बजट चल रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा यू नो सस्ता सामान आ जाए ताकि मेरा काम हो जाए। तो एंड बेयर विद मी, मेरा वॉइस थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा बिकॉज आई हैव रनिंग नोज राइट नाउ। सो दिस इज़ माई शॉपिंग हॉल एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो। वीडियो ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट मीशो। जो लोग नए हैं एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं वॉट इज़ मीशो, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जिसमें आप घर बैठ करके ही एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी ब्रीफ वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसका शॉर्ट वर्जन बता देती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। आपको कुछ करना नहीं होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक
चेक करिए, अपने इस ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो भी ये डाउनलोड होगा, iOS के लिए फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करिए, उसके बाद आप इसके कैटेगरीज में जा करके सारा एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। जो भी आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि ये लोगों को पसंद आएगा, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आएगा, वो सिलेक्ट करके आप उन लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपकी दी हुई शेयर लिंक के साथ उसके थ्रू सामने वाले ने शॉपिंग करी है तो उसका जो मार्जिन है वो डायरेक्टली आपको मिलता है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको प्राइमरी इनकम बना सकते हैं, सेकेंडरी इनकम बना सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं, जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं। एंड काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी एज वेल। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, घर बैठ करके ही एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। और सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।